चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल GDS सर्किल के ऊपर। एक अच्छा अपडेट आ गया है तो मैं आज इस वीडियो पर आपके साथ उस अपडेट को शेयर करूंगा। ये तो इंडियन पोस्ट ने ऑफिशियली उसको अपडेट शेयर किया है और उसके साथ बात करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो कट ऑफ्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमारे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किया। तो आपके रिक्वेस्ट पर ही आज हम इस वीडियो बना रहे हैं। आज हम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसके कट ऑफ कैसा होगा उसका चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप नए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इंडियन पोस्ट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दिखा देते हैं कि इंडियन पोस्ट ने वेस्ट बंगाल GDS सर्किल का रिजल्ट्स के ऊपर क्या अपडेट दिया है। तो देखिए, GKR शीट जी ने इंडियन पोस्ट ऑफिस को टैग करते हुए पूछा है, व्हाई वेस्ट बंगाल GDS 5778 सर्कल 1 रिजर्व कांट डिक्लेयर इंडियन पोस्ट। तो उन्होंने पूछा है कि वेस्ट बंगाल GDS का सर्कल का जो 1 रिजल्ट है जिसका पद काफ़ी बड़ा है, जो कि 5777 पोस्ट, उसको क्यों अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इंडियन पोस्ट ने उसको जवाब दे दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो ट्वीट है ये 14 मई 2019 को किया गया था और 7:39 पर किया गया था। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इंडियन पोस्ट ने जो जवाब दिया है वो 15 मई को दिया है। देखिए, बोला है, योर कंप्लेंट इज फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिशियल, वी विल रिवर्ट यू सून, थैंक्स। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो कंप्लेंट है वो हम ऑफिशियल को भेज रहे हैं और उसको जल्द से जल्द चेंज किया जाएगा, धन्यवाद। और वहाँ पर JKR शीट जी ने थैंक्स और प्लीज टेल मी सून, मतलब धन्यवाद, हमको जल्दी हमको सूचित कीजिए। तो ये वेस्ट बंगाल GDS सर्किल के लिए काफ़ी खुशी की खबर है, क्योंकि पहले जो केस का संक्रांत का अपडेट बोल रहे थे केस के लिए रिजल्ट नहीं दे रहे, लेकिन अभी वैसे कुछ नहीं बोल रहे, अभी सीधा सीधा बोल रहे कि कंप्लेंट को ऑफिशियल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। तो ये वेस्ट बंगाल सर्किल के जो स्टूडेंट्स GDS सर्किल को अप्लाई किया था, सर्किल 1 को अप्लाई किया था, तो इसके लिए काफ़ी खुशी की खबर है। तो मैं आज आपको इस ट्वीट और उत्तर प्रदेश का जो कोर्ट केस चल रहा है उसका ट्वीट को मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको साफ पता चल जाएगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर प्रिंस राज सिंह जी ने इंडियन पोस्ट ऑफिस को टैग करते हुए पूछा, UPGDS का रिजल्ट कब देगा। तो यहाँ पर जो रिप्लाई आया है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो GDS रिजल्ट है वो लिटिगेशन मैटर की, मतलब कोर्ट केस के कारण ही उसको नहीं दिया जा रहा है, आप किसी फेक कॉल या मैसेज के चक्कर में ना आए। ये रिप्लाई और जो वेस्ट बंगाल सर्किल का GDS का रिप्लाई है दो टोटली डिफरेंट है, तो आपको साफ उसका डिफरेंस पता चल गया होगा। तो वेस्ट बंगाल GDS सर्किल का स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर के लिए काफ़ी खुशी की खबर है, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। अब हम वेस्ट बंगाल GDS सर्किल का जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट और सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वीडियो, आपके रिक्वेस्ट पर हम आज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट बंगाल GDS का कट ऑफ कैसा रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट बंगाल GDS सर्किल के ऊपर अप्लाई किया है तो आपको मैं बता देता हूँ कि 235 पद है यहाँ पर GDS के ऊपर अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो माध्यमिक की क्लास 10 का परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप UELTS में तो अनरिजर्व कैटेगरी पर आप करते हैं तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 85 से 87 के बीच, OBC कैंडिडेट है तो 81 से 83 के बीच, SC कैंडिडेट है तो 75 से 77 के बीच, ST कैंडिडेट है तो 70 से 73 के बीच आपका परसेंटेज होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज ऐसा रहता है तो आपको काफ़ी अच्छी चांस है वेस्ट बंगाल GDS सर्किल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैं बॉक्स पर हमें बता सकते हैं अगले वीडियो पर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कट ऑफ के ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो को अच्छा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दोस्तों अपना सुझाव लिखो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।